ज़िलहज के 10 बाबरकत दिन, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहज के इन 10 दिनों से बढ़कर कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जिसमें नेक अमल करना अल्लाह ताला के नज़दीक इन दिनों के नेक अमल से ज़्यादा पसंदीदा हो। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी नहीं? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और फिर लौट कर ना आए। इस हदीस को सुनने के बाद हमें नेक आमाल के लिए कमर कस लेनी चाहिए। आइए इन 10 दिनों में रोजे रखें, सदका करें, अल्लाह का जिक्र, दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करें, भलाई के कामों में तावुन करें, बुराई को फैलने से रोकने में हिस्सा डालें और हर वो अमल करें जो अल्लाह से हमें करीबतर कर दे। इन 10 दिनों में खास तौर पर चंद आमाल का हमें एहतमाम करना चाहिए। इनमें अल्लाह की तकबीरात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरगीब दी है। दूसरा अमल यौम अरफा का रोज़ा है कि ये पिछले और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है। और तीसरा अमल क़ुरबानी है कि ये सुन्नत इब्राहिमी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद भी फरमाई। जबकि इन अय्याम में जिन कामों से रुकना है, इनमें हराम कामों के अलावा नाखून और बालों को काटना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने वालों को इससे मना फरमाया। आइए खुद भी इन बाबरकत दिनों में नेक आमाल के जरिए बेशुमार अजर कमा लें और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों के नेक आमाल का भी बाइस बनें।